नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। लालगंज प्रथम निवासी शिववरण की मृत्यु के 2 दिन बाद टेढ़ा चौराहे पर परिजनों ने किया रोड जाम। 2 दिन पहले लालगंज प्रथम निवासी शिववरण की मृत्यु हो गई थी, जिससे कि प्रशासन द्वारा उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। आपको बताते चले कि बक्सर कटरी में परवल की खेती राम सजीवन के साथ साझे में छेदू खेती करते थे। साढ़ू राम सजीवन सहित 3 लोग खेत में रुक गए, 8 बजे भोजन करने के बाद सो गए। तभी सनी द्वारा बताया गया कि जीजा शिववरण का सिर व पेट दर्द होने लगा, जिससे इलाज के लिए हमारे बहनोई राम सजीवन दोनों मिलकर उपचार के लिए बक्सर ले जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना सनी ने अपने घर वालों को दी। परिवार के लोग नाव द्वारा गंगा के रास्ते बक्सर आ गए थे। शिववरण के परिवार वालों का कहना है कि शिववरण की मृत्यु नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। घर वालों का कहना है कि मेरे बेटे को बहला फुसला कर लाया गया और गंगा में डुबो कर मार दिया गया, इसलिए टेढ़ा चौराहे पर हम लोगों ने जाम लगाया है। जाम को सुनते ही प्रशासन से एसओ बारासागर, एसओ बिहार, एसओ बीघापुर आदि थानों की पुलिस आनन फानन में टेढ़ा चौराहे पहुंचकर जाम खुलवाने की मशक्कत करने लगी। लेकिन परिजनों के लोग कुछ मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि दोषियों को सजा मिले, इसी पर डटे रहे। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर लगभग 2 घंटे बाद जाम खुलवाया जा सका। सुमेरपुर उन्नाव से सतीश कुमार की रिपोर्ट।